हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, अध्यापकों की भर्ती आ गई है। ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 27 मई है। यदि आप पूरी डिटेल को जानना चाहते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कितने पद हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सती राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। कैसे हो आप सभी दोस्तों? इस चैनल पर हर रोज एक या दो वीडियो जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी पर मैं लेके आता रहता हूं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। तो दोस्तों, आपको भर्ती का नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में ये भर्ती आई है दोस्तों, शिक्षा विभाग की ये भर्ती है। और यहाँ पे यदि पदों की बात करें तो 196 पद है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है टीजीटी पदों के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है, टीजीटी है। और जो सैलरी है यहाँ पर आप देख सकते हैं 45,756 रुपये दोस्तों, ठीक है, अच्छी सैलरी है। यहाँ पे यदि हम डिटेल की बात करें टीजीटी हिंदी की कैटेगरी वाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी पंजाबी, साइंस, टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी सोशल साइंस। तो यहाँ पे टोटल 196 पदों पे भर्ती निकली है। महिला और पुरुष कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों इसकी आगे की डिटेल, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, तो सबसे पहले है ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद रिलेवेंट सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो ग्रेजुएशन होने चाहिए, साथ में आप जिसके भी टीचर लगना चाहते हो वो आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और 50% आपके नंबर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है डिग्री ऑफ बैचलर एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन विद रिलेवेंट टीचिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बीएड होनी चाहिए आपके पास, डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और रिलेवेंट सब्जेक्ट में ही आपकी होनी चाहिए डिग्री 50% नंबर के साथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट आपका पास होना चाहिए, सेकेंड पेपर कंडक्टेड बाई द CBSE न्यू दिल्ली इन अकॉर्डिंग, तो सी टेट आपका पास होना चाहिए दोस्तों, सेकंड पेपर, ठीक है। या आपके पास 4 साल का BA BEd है, BSc BEd है, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपने देख लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत है। फिर है और सी टेट आपका पास होना चाहिए, कंपलसरी है दोस्तों, पेपर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है एज लिमिट दोस्तों, 21 से 37 साल यहाँ पे एज बताई गई है, एज आपकी 1/1/2019 को काउंट की जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो SC BC कैटेगरी है उनको रिलैक्शन भी दी जाएगी, ठीक है। और मोड ऑफ सिलेक्शन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो दोस्तों इसमें मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आपका पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। 40% नंबर आपके लेने जरूरी होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने दे रखा है, आंसर की जाएगी। ऑनलाइन आपको दोस्तों फार्म जमा कराना है, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये आपकी साइट है फार्म भरने की। और दोस्तों ये पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट, ये ओल्ड है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि दोबारा से डेट अपडेट कर रखी है। अभी फार्म आपके भरे जा रहे हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 800 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, 400 रुपये SC कैटेगरी के लिए फ़ीस है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, आपको प्रिंट आउट निकाल देना है अपने फार्मों का। आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए इन फार्मों से रिलेटेड, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं इस टाइम से इस टाइम तक। फार्म भरने की साइट आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ये साइट दी रहे हैं। आप दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या दिखाऊँ आपको, डेट दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों एक नया नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इमेज है, न्यूज़पेपर की है शायद, पता नहीं है किसी और चीज़ की है, और मैंने अभी फार्म भर के देखा तो फार्म भरा जा रहा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ऑनलाइन फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट साइट आपकी ये है 27/5/2019 दोस्तों। यहाँ पे देखिए 27/5/2019 27 मई डेट कर दी है, और फीस भरने की अंतिम तिथि 29 मई है दोस्तों, ठीक है। और 31/5 के बाद आपका जो रिटर्न टेस्ट का शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, यहाँ पे आप देखिए 196 पोस्ट यहाँ पे लिखी है। पहले इनकी डेट ये थी दोस्तों, उसके बाद में इन्होंने दोबारा एक बार मौका दिया है, ये कुछ सुधार किया है, उसके बाद में इन्होंने ये डेट यहाँ पे दी है 27 मई, ठीक है। 27 मई अंतिम तिथि है, महिला और पुरुष कोई भी इस फार्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यही थी डिटेल, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आपका आएगा, ये भी इन्होंने बता रखा है पूरा पैटर्न, पूरा क्वेश्चन का सिस्टम इन्होंने दे रखा है। तो दोस्तों बस यही अपडेट थी आज आप सभी के लिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि आप ये नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो कैसे लगी है लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।